दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फर्स्ट क्लास पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम 2021-22 के बारे में, और साथ ही साथ जो एक पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस है वो भी, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है, वो सारा भी आपको हम दिखाने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ बेसिक चीजें जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी जो माइनॉरिटी है, जैसे कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल या ओबीसी, उससे बहस नहीं है, यहाँ पे सारे लोग कर सकते हैं। अगर आप मुस्लिम है, सिख है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियंस है, तो वो सारे लोग, अगर आप मैट्रिक से से पहले मतलब स्कूल में है 7th 8th 9th, तो भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। जिसका जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है 15 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो है पोस्ट मैट्रिक, मतलब अगर चाहे आप 11th में है या कॉलेज में यूजी पीजी कर रहे हैं, उसके अलावा मेरिट कम स्कॉलरशिप स्कीम है। अगर प्रोफेशनल कोर्स में है, जैसे कि आप MBBS कर रहे हो, लॉ कर रहे हो या BTEC MTEC कर रहे हो, तो उसके लिए आपको मेरिट कम स्कॉलरशिप स्कीम है, जिसका जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या है कि जो वेबसाइट है, जिसे ये एड्रेस वो क्या है कि scholarship.gov.in पे आप जाएंगे, तो वहां से आपका स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका फॉर्म ओपन होगा और फिर आपको फॉर्म फिल कर देना है। तो देख लेते हैं हम कि बेसिक क्या क्या जो जनरल इन्फॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए, हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, सो दैट हमको फॉर्म फिल करने के समय ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें क्या है कि कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको वही scholarship.gov पे जाना है, फिर आपका वो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, वहां से जो है आपका एक न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा 2021 का। जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो नाम वगैरह बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारा इन्फॉर्मेशन, बैंक का डिटेल वगैरह, ये सारा फिल करना होगा। तो वहां पे आप जैसे ही इसको करेंगे तो ऑटोमेटिक एक रजिस्ट्रेशन आईडी आपका क्या है जनरेट होगा, उसके बाद फिर ओटीपी आपके मोबाइल पे आ जाएगा। फिर मतलब पहले जो रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट होगा ऑटोमेटिक, क्या जैसे ही आप सबमिट करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो वो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा। फिर उसके बाद जो आपका फर्स्ट पासवर्ड होगा एप्लीकेशन आईडी का, वो क्या होता है, जो आपका बर्थ डेट होता है वो होता है। फिर आपको क्या है कि वहां पे ओटीपी, फिर आप जो मोबाइल नंबर आपने टाइप किया है उस पे आपका क्या है एक ये आएगा ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल करके आप अपना पासवर्ड एक नया जनरेट करेंगे। और उसके बाद जब आप सबमिट लॉगिन करेंगे तो मेन जो डैशबोर्ड है फॉर्म का वो फिलअप हो जाएगा, और बाकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन वगैरह है वो सारा डिटेल आपका, जैसे कि अभी करेंट में आप कौन से इसमें है, प्रीवियस, जैसे अगर आप यूजी कर रहे हैं तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉलेज का नाम वगैरह, ये सारा, और उससे प्रीवियस ईयर का सारा 10th 12th का। अगर पोस्ट मैट्रिक है तो फिर उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको देने के बाद आपको क्या करना है, अगर चाहे आपका स्कॉलरशिप, अगर कोई किसी टेक्निकल कोर्स में सपोज किसी का फीस जो है वो 50,000 से ज्यादा है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करने पड़ेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे। फोटोग्राफ है स्टूडेंट का, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल मेजोरिटी सर्टिफिकेट है, मार्कशीट प्रीवियस ईयर का, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट प्रूफ ऑफ स्टूडेंट है, आपके फादर गार्जियन के साथ भी अगर ज्वाइंट हो, अगर आपका पर्सनल नहीं है तो ज्वाइंट वाला अकाउंट भी देना पड़ेगा आपको प्रूफ, उसके बाद फिर रिसिप्ट, करेंट कोर्सेज देना पड़ेगा, फिर आपको बोनाफाइड स्टूडेंट इशू। तो ये सारे चीज आपको कब अपलोड करने हैं, जब आपका फीस क्या है 50,000 से ज्यादा है, नहीं है तो ये सब देने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा करके ये कर देना है, और फाइनली आपको क्या करना, सबमिट कर देना है। और ये जो है, तो चलिए हम चलते हैं, शुरू करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। scholarship.gov.in टाइप करोगे, आपका क्या है कि ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ऐसा इंटरफेस का खुल जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि सेंट्रल स्कीम में देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी एफएस का जो अलग अलग स्कीम है, जैसे कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज है, जिसकी डेट दी गई है उसी तरीके से पोस्ट मैट्रिक की है 30/11/2021 तक, और फिर मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज अप्लाई कर सकते हो। तो ये यहाँ पे डेट मेंशन है। अब ये क्या है कि फर्स्ट टाइम यूजर के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या है क्लिक करना पड़ेगा न्यू रजिस्ट्रेशन पे। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का कुछ क्या है कि एक पेज सामने ओपन होगा, और यहाँ पे शुरू शुरू में एकेडमिक ईयर 2021-22 के लिए कुछ गाइडलाइंस है फॉर रजिस्ट्रेशन और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो हाउ टू अप्लाई, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, तो कैसे क्या करना है, सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह आधार अपलोड करना है। तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे कि डेट ऑफ बर्थ है आपका, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, स्कॉलरशिप कैटेगरी, नेम स्टूडेंट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक डिटेल, वो सब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया हुआ है। तो ये सब चीज आप पढ़ेंगे यहाँ पे, उसके बाद क्या है कि आपको अग्री करना है, और फिर जैसे ही अग्री आप करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि आपको नेक्स्ट पेज जो है मेन जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन का
वो आपका ओपन हो जाएगा। और यहाँ से आपको क्या करना है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर अकेडमी के 2021-22 के लिए आपको सारा इन्फॉर्मेशन फिल कर देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टेट ऑफ डोमिसाइल फिल करना है, उसके बाद स्कॉलरशिप। स्टेट ऑफ डोमिसाइल में जो भी स्टेट है आपका, वो स्टेट यहाँ से ऑटोमेटिक आ जाएगा ऑप्शन, आप वहाँ से चूज कर लेंगे। दूसरा यहाँ पे चूज ऑफ योर ऑप्शन, अगर आप प्री मैट्रिक, मैट्रिक से पहले हैं, पोस्ट मैट्रिक और हैं, तो आप यहाँ से ये चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट डालना है, जो भी है, सपोज दैट। इस तरीके से आपको नेम ऑफ स्टूडेंट डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर क्या है कि ऑप्शन स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप के लिए क्या कौन सा ऑप्शन आप चूज करें, स्कॉलरशिप स्कीम यहाँ पे चूज करेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ पे, जेंडर डालेंगे, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक आईएफएससी कोड डालेंगे। फिर उसके बाद एक बार और आपको रिकन्फर्म करना होगा बैंक आईएफएससी कोड का। और फिर वहाँ उसके बाद क्या है कि बैंक का अकाउंट नंबर वगैरह, ये सारा चीज़ यहाँ पे, जैसे ही आईएफएससी कोड डालेंगे तो कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर, तो वो सारा आपका ऑटोमेटिक फ्लैश करेगा यहाँ पे। और उसके अलावा जो आइडेंटिफिकेशन डिटेल है, किस कोई भी एक आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, आधार कार्ड या आधार इनरोलमेंट आईडी, अगर आपने फ्रेश अप्लाई किया है तो वो इनरोलमेंट आईडी आप डाल सकते हैं, या फिर बैंक का पासबुक, आप बैंक अकाउंट इन केस यू डू नॉट हैव आधार कार्ड। तो ये आइडेंटिफिकेशन, ये क्या करना पड़ेगा आपको, डिटेल यहाँ पे भरना पड़ेगा। अगर आधार नंबर, जैसे आप आधार कार्ड का डिटेल भरते हैं तो आप आधार नंबर डालना पड़ेगा यहाँ पे। और उसके अलावा फिर यहाँ पे आपको कैपेचे कोड डाल करके, और फिर क्या है, रजिस्टर करेंगे। फिर से पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, और ये फॉर्म फिल कर लेते हैं। क्या है, फिल हो गया है। अब हम इसको करेंगे क्लिक करके, क्लिक करेंगे रजिस्टर पे। तो दोस्तों ये क्या है, हमारा ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे आ गया है हमारा एप्लीकेशन आईडी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि काइंडली नोट इट डाउन फॉर फ्यूचर फीचर रेफरेंस, दिस विल बी सर्व एज योर लॉगिन आईडी, पासवर्ड, सेंड यू रजिस्टर मोबाइल नंबर। दोस्तों साथ ही एक मैसेज भी हमारे फ़ोन पे आएगा, जिसमें ये एक जो एप्लीकेशन आईडी है वो मेंशन होगा, और साथ ही साथ में जो आपका पासवर्ड है फर्स्ट टाइम और बर्थडे होगा, तो उसको जब आप लॉगिन करोगे फिर वहाँ पे कैपेचे डाल के, तो फिर वहाँ से आपको क्या है, मोबाइल पे एक मैसेज आएगा ओटीपी का, और फिर ओटीपी आपको क्या करना है, टाइप करके सबमिट करना है नया पासवर्ड जनरेट करने के लिए। क्या करना है, यहाँ पे जो ओटीपी आया है उसको आपको फिल करना है। यहाँ से आप रिसेंट ओटीपी का ऑप्शन है वो कर सकते हैं, मोबाइल नंबर बदल सकते हैं। जैसे ही आप इसको कंफर्म करेंगे, यहाँ से आपको अपना नया पासवर्ड क्या करना है, सेट कर लेना है। जैसे ही आपका ये डैशबोर्ड ओपन होगा, यहाँ से क्या है कि आप एप्लीकेशन जो नीचे, होम के नीचे जो पेज आ रहा है आपका, ये क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो ऊपर जनरल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी जो आपने लास्ट में रजिस्ट्रेशन में किया है, तो वो चेंज नहीं हो सकता है। उसके अलावा बाकी जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्या है, अब यहाँ से फिल करना पड़ेगा। जैसे आपको कैटेगरी चूज करना पड़ेगा कि क्या है, अब जनरल है, ओबी है, एसटी है, उसके बाद फादर्स नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा, फिर मदर्स नेम, एनुअल इनकम क्या है फादर की, उसके अलावा आधार नंबर, मोबाइल नंबर ऑलरेडी अपडेट है आपका। फिर उसके बाद आपको एकेडमिक डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। एकेडमिक डिटेल में आपको क्या है, चूज योर ऑप्शंस में आप यहाँ स्कूल, कॉलेज वगैरह जो भी है आप डाल सकते हैं। इंस्टीट्यूट का स्टेट कौन सा है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो सारा ऑप्शन आपके पास आ जाएगा कौन से स्टेट में है। फिर चूज, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और यहाँ से कोड डालते ही आपको क्या है कि उस कॉलेज का सारा ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगा। उसके अलावा जो आपका एडमिशन इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे फिल कर देना है, एडमिशन कौन से साल में हुआ, रोल नंबर आपका क्या है, सेक्शन क्या है, उसके अलावा जो प्रेजेंट क्लास कोर्सेज क्या है आपका, ईयर कौन सा है, वो सारा डालना है। फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है आगे, मोड ऑफ स्टडी, रेगुलर है, पार्ट टाइम है, क्या है क्लास की, प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट क्या है, प्रीवियस ईयर। आप जो, अगर जैसे आप ग्रेजुएशन में हो तो आपको क्या करना है, 12th का फॉर्म फिल करना है, अगर 11th में है तो 10th का आपको पूरा डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा। और फिर उसके अलावा आपको क्या, कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाइड कंडक्टेड, वो सब रोल नंबर आपको डिटेल भरना है, और बाकी अदर डिटेल्स है जैसे कि ऑर्फन है, गार्जियन नेम वगैरह क्या है, डिसेबल है, वो सारा मैरिटल स्टेटस आपके, तो ये सारा करके आपको क्या करना है, आगे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फॉर्म को पूरा फिल करते हैं। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है, अब इसको हम करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का क्या है, आपको जब आप सेव एंड कंटिन्यू के बाद नेक्स्ट जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या है कि सारा एड्रेस का आपको डिटेल डालना है, होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ब्लॉक, तालुका, पिन कोड,
ये सारा आपको यहाँ पे बेसिकली कॉन्टेक्ट डिटेल डालना है, और उसके अलावा ये जो स्कीम है आपकी वो यहाँ पे दिख जाएगी, जैसे कि यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप माइनॉरिटी CS आप किसके लिए एलिजिबल है। अगर आपका फीस क्या है, स्कॉलरशिप अमाउंट लेस देन 50,000, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर आपका फीस क्या है 50,000 से ज्यादा है, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्टूडेंट फोटोग्राफ, सेल्फ डिक्लेरेशन माइनॉरिटी कम्युनिटी सर्टिफिकेट बाय द स्टूडेंट, सेल्फ अटेस्टेड एकेडमिक मार्कशीट का आपको, करंट कोर्स का आपको क्या करना पड़ेगा, फी रिसीट है, इनकम सर्टिफिकेट क्या है, आपके गार्जियन का इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवाना। तो अगर यहाँ पे कुछ क्या है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है किस कंडीशन में, अगर आपका फीस 50,000 से ज़्यादा है, 50,000 से कम है, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है। वो पहले भी हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, स्टूडेंट फोटोग्राफ है, सेल्फ डिक्लेरेशन माइनॉरिटी कम्युनिटी सर्टिफिकेट बाय द स्टूडेंट है, सेल्फ स्टेटस इट इज स्टेट सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस एकेडमिक मार्कशीट का आपको स्टेटस चाहिए, फिर रिसीट चाहिए करंट कोर्स का, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद प्रूफ ऑफ बैंक चाहिए, ज्वाइंट अकाउंट मदर फादर, बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइनल सबमिशन कर देना है। तो यहाँ पे चलिए हम पहले क्या करते हैं, एड्रेस डाल देते हैं, फिर फाइनली सबमिशन हम इसको कर चुका है, क्योंकि स्कॉलरशिप 50,000 से कम का है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, और फाइनली हमारा क्या है, इस तरीके का ये पूरा फॉर्म जो है फिल हो चुका है, और जो भी इंफॉर्मेशन हमने पुट किया था वो सारा एक PDF फॉर्म में हमारे सामने फ्लैश करेगा, हम उसको क्या करेंगे, लास्ट में प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर आप लोगों ने अभी तक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, सो दैट नोटिफिकेशन आपको मिले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही बस हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।